स्वागत है आपका SES क्लासेस में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज 22 फरवरी 2024 SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2024 को जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है वो लेकर आए हैं। प्रीवियस जो पेपर हुए उनके एनालिसिस हमारे चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो आपको आगामी जो परीक्षाएं SSC GD की जो 20 फरवरी से और 12 मार्च के बीच जो लगी हुई हैं उनमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, तो प्रश्न पूछा है कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से। किससे है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो इसके अलावा और सारे बहुत नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद अगला जो नृत्य, ये तो आंध्र प्रदेश का हो गया, आंध्रा का। इसके बाद यक्षगान जो नृत्य है, यक्षगान किस प्रदेश का है, तो यक्षगान किसका होगा, कर्नाटक का। किसका हो जाएगा, कर्नाटक। आप लोग अपनी नोटबुक में याद इसको नोट कर सकते हैं। अगला नृत्य जो होगा वो कौन सा है, अगला नृत्य है भरतनाट्यम। कौन सा होगा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किसका है, ये किसका हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तमिलनाडु। किसका होगा, तमिलनाडु का। अगला जो है कथक किसका है, तो कथक जो है उत्तर भारत का है, उत्तर भारत। और इसका जो जन्म हुआ है कथक का, ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, ठीक है। मणिपुरी जो है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है वो केरल के शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। एक चीज आप लोग और नोट कर सकते हैं, जो सत्रिया नृत्य है असम का, उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो शंकरदेव माने जाते हैं। तो इसका आंसर कुचिपुड़ी का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न जो है वो जनगणना से, प्रथम जनगणना। तो जनगणना से क्वेश्चन देखिए, प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी मेओ के शासनकाल में, जबकि दशकीय जनगणना कब हुई थी, 1881 में। 1881 में रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, रिपन के। और ये किसके शासनकाल में हुई, तो ये मेओ के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। पहली जनगणना 1872 में मेओ के शासनकाल में, जबकि प्रथम दशकीय जनगणना रिपन के शासनकाल में हुई थी। ये आप लोग याद रख सकते हैं। और ये नियमित जनगणना यहीं से स्टार्ट हुई थी। और जनगणना को कौन सा मंत्रालय कराता है, तो इसका मंत्रालय कौन सा है, तो ये गृह मंत्रालय जनगणना को कराता है। कौन कराता है, गृह मंत्रालय। आप ये भी याद रख सकते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो हमारी नवीनतम जनगणना जो थी वो कब हुई थी, तो जो नवीनतम जनगणना है यानी हमारी जो लेटेस्ट जनगणना है वो 2011 में हुई थी। और ये 2011 की जनगणना कौन सी है, ये भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी है, 15वीं, ठीक है। और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है, और आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। टोटल दशकीय जनगणना कौन सी है, 15वीं जनगणना है 2011 वाली, और 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना है, और आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में मेओ के शासनकाल में। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछा है, कब से कब तक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय कौन सा होगा, ये 2002 से 2007 के बीच का है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या हो जाएगा, 2007 से 2012 हो जाएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से 2017। और यहीं से पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई, और इसके बाद योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया। और 2017 में ही किसका गठन हुआ, तो नीति आयोग का गठन हो गया था। किसका आयोग का, नीति आयोग का गठन हो गया था 2017 में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब है, 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, और 12वीं का 2012 से 2017 के बीच ये जनगणना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, तो इसका आंसर 2002 से 2007 तक। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक आप याद कर सकते हैं कौन था, तो इसका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु कौन थे, चाणक्य
जिन्हें गुरु जो थे वो कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पृथक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पृथक जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है, नाम अर्थशास्त्र जरूर है, चाणक्य ने लिखी है, लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय से है? तो इसमें राजनीति संबंधी बातों को बताया गया है। चाणक्य को क्या बोला जाता है? भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है। ठीक है, तो भारत का मैकियावेली पूछे तो किसे बोलेंगे? चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली बोला जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में कौन आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। और इस ये किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जो किसके दरबार में आया था? मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। तो इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। इसके बाद मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में होंगे? तो ये भाग पूछा है, तो भाग 3 में होंगे। आर्टिकल पूछेगा, आर्टिकल यानी अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 12 से 35। और ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं ये मौलिक कर्तव्य। ठीक है, प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो ये 6 हैं। ठीक है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। जो संपत्ति का अधिकार है वो उसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति के जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, भाग 3 इसका आंसर हो गया। तो अगले प्रश्न देखिए, पंजाब का राजकीय खेल पूछा है। तो पंजाब का राजकीय खेल क्या होगा? तो इसका होगा गटका। गटका, ये गटका, ये पंजाब का राजकीय खेल होगा। ठीक है, यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? तो यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? ये हॉकी है, यूपी का राजकीय खेल, ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर गटका या गटका जो है। अगला देखिए क्या पूछा है, टीपू सुल्तान राजा कब बना? तो कब बना था ये? 1782 में। कब बना था ये टीपू सुल्तान? 1782 में राजा बना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा, समय की इकाई क्या है? तो समय की इकाई क्या होती है? सेकेंड। क्या होगी? सेकेंड। ठीक है, समय की इकाई सेकेंड होगी। एक प्रश्न और पूछ सकता है समय की इकाई के अलावा, जो प्रतिरोध है इसका मात्रक पूछ सकता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होगा? ओम। धारा का मात्रक पूछ सकता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक तो क्या होगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। अगर विभवांतर का मात्रक पूछे, विभवांतर का, तो विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मात्रक आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड इसका आंसर, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो ये खाद्यान्न उत्पादन या हम कह सकते हैं अनाज उत्पादन से संबंधित थी। इसके जनक कौन थे? तो भारत में पूछे तो भारत में इसके जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, और एम.एस. स्वामीनाथन जो थे भारत में इसके जनक थे। और अभी इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को ही भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में नॉर्मन ई बोरलाग, नॉर्मन ई बोरलाग, ठीक है, बोरलाग, ये थे विश्व में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप। हरित क्रांति से संबंधित ये कब हुई थी? तो 1966-67 में हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। इसका जो पीरियड, टाइम पीरियड है वो 1966-67 के बीच है। और सबसे ज़्यादा कौन से अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई थी? सबसे ज़्यादा गेहूं और धान, और गेहूं धान में भी सबसे अधिक पूछा जाए तो गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए पूछा है, क्या पूछा है अगला, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? देखिए भाग 4 का होगा, भाग 4 का, और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 51 का। ठीक है, ये 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कुल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं वर्तमान में? 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। और ये किस देश से लिए गए मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। किस से लिए गए हैं? रूस से।
ठीक है, तो इसका आंसर आर्टिकल 51 का हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछी है तो 65.46 हो जाएगी जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में है, राजस्थान में, और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है वो केरल में है, केरल राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और सबसे कम साक्षरता पूछे तो ये बिहार राज्य में, सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य में, सबसे अधिक किसमें, सबसे अधिक साक्षरता महिला पुरुष और टोटल ओवरऑल भी केरल राज्य में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 65.40 हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वो 338 हो सक सॉरी 238 238 हो सकती है। क्यों? क्योंकि अधिकतम संख्या जो है वो 250 है, 250 है, इसमें 238 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो जो गवर्नर होता है, गवर्नर प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति क्या करता है, इसको मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जबकि 238 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होकर आते हैं, टोटल जो है 250 हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर 238 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आप पहले ये पता करेंगे कि किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है, किससे है, क्रिकेट से। और इसे किसने जीता था? तो इसे जीता है पंजाब राज्य ने। किसने जीता है? पंजाब ने। किसको हराकर? बड़ौदरा को। किसको हराकर? बड़ौदरा को हराकर इसे जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा, टेबल टेनिस में जीरो स्कोर क्या कहलाता है? तो शून्य स्कोर क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं लव। क्या कहलाएगा? लव। जो टेबल टेनिस होता है, अगर किसी का स्कोर जीरो है तो क्या कहा जाता है, उस जीरो स्कोर को लव बोला जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगले प्रश्न में पूछा है, चलिए यहीं तक प्रश्न थे हमारे, जितने प्रश्न मिले थे वो सेकंड शिफ्ट में उतने प्रश्न करा दिए गए हैं। क्या पूछा गया था, झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अगर कोई व्यक्ति अगर झंडे का अपमान करता है तब वह कौन से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत उल्लंघन आएगा, उसका आर्टिकल क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बड़ी मात्रा में प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, फीफा अंडर 17 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना, इससे रिलेट करके भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी का बोल आपको याद करना है, तब इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया। फीफा 2023 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी का बोल तो उनसे संबंध रखते हैं उन सभी को याद कर लें, जिससे एक भी प्रश्न आपका बच के नहीं जाए, और आपको 100% सिलेक्शन लेकर के मानना है इस बार, तब इसका सही जवाब होगा सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किस से? सितार से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि खेल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब देखते हैं अंजुम चोपड़ा के किससे संबंध है, किस खेल से? क्रिकेट से संबंध है। जो अंजुम चोपड़ा का संबंध है वह क्रिकेट से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या पूछा, फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब ये होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल की टीम में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गैस का ठोस में बदलना कहते हैं, जो गैस होती है उसे अगर ठोस में बदला जाए तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहेंगे आप? निक्षेपण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइमन कमीशन भारत कब आया?
प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तब ये आपका आया था 3 फरवरी 1928 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राधा श्रीधर का किस नृत्य से संबंध है? इनका संबंध है भरतनाट्यम से। किससे संबंध है? भरतनाट्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया? तब यह दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र राज्य था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तब ये रुक्मिणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। जितने भी नाट्य शास्त्र हैं ये आप अच्छी तरह से देख लें, जिससे प्रश्न आपका बच के नहीं जाना चाहिए। भरतनाट्यम से इससे बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। अब ये पूछा कथक क्या है? कथक एक ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक क्या है? यह एक शास्त्रीय नृत्य है। किस तरफ का, कहाँ का है ये? यह उत्तर भारत का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तब यह किस नदी किनारे स्थित है? ये आपका स्थित है रावी नदी के किनारे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनका एनालिसिस आप देख रहे हैं, इससे रिलेट करके आप प्रश्नों को देख लें, आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तब, और इन प्रश्नों को भी रिवाइज कर लें क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति के जनक कौन थे? क्या पूछा है? हरित क्रांति के जनक कौन थे? और कल के सप्ताह पूछा था हरित क्रांति से किसका संबंध है, तब इसका किसका किससे संबंध है या कौन जनक है? कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा है? 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? क्या है? सबसे कम लिंगानुपात किस जगह का ये पूछा है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, उसमें ऑप्शन दिए रखे थे 4 ऑप्शन, और उसमें ये नहीं पता क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। और सबसे अधिक कहाँ का है? केरल का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, इसमें पूछा कि जो सबसे ज्यादा साक्षर का बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश है या यूटी है, तो वह कौन सा है? भाई आपका है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से संबंधित और भी जानकारी देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश किसका है? ये किसका है? पुद्दुचेरी का। किसका है? पुद्दुचेरी का। सर्वाधिक लिंगानुपात जो यूटी है किसका है? पुद्दुचेरी का। और सबसे
कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? कम केंद्र शासित यूटी में सबसे कम किसका है? यह दमन और दीव का है, दमन और दीव का। दमन और दीव का सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी का लिंगानुपात कौन सा है, किसका? पुदुचेरी का। और सबसे कम किसका है? दमन और दीव का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, भक्ति आंदोलन आंदोलन से संबंधित प्रश्न था। ये बच्चा बता नहीं पाए कि भक्ति आंदोलन से संबंधित किस तरह का प्रश्न था, उसने सिर्फ ये बताया कि भक्ति आंदोलन से प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। दोस्तों रोज़ का आप एनालिसिस देखना ना भूलें, क्योंकि एनालिसिस से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, और उनसे रिलेट जब आप एनालिसिस देखेंगे तो उनसे जो रिलेट करके क्वेश्चन है उन्हें भी देख लें। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।